एक आदमी अपनी मृत्यु के बाद जब भगवान के पास पहुंचा तो उसने भगवान से कहा, आपने मुझे पर्याप्त धन दिया, अच्छी पत्नी दी, अच्छे बच्चे दिए, लेकिन एक चीज से आपने मुझे वंचित रखा और वो है खुशी। सब कुछ होते हुए भी मैं कभी खुश नहीं रह पाया। सब कुछ होते हुए भी मैं अपने जीवन से कभी संतुष्ट नहीं हो पाया। भगवान ने इसका कारण बताते हुए कहा कि सब कुछ होते हुए भी तुमने कभी वो काम किया ही नहीं जो तुम्हें खुशी दे। तुमने हर काम सामाजिक दबाव में किया। बिना सोचे समझे कि वो सही है या गलत, अपनी व्यक्तिगत खुशी से ज्यादा तुमने समाज का सोचा। तुम्हारा बेटा एक खिलाड़ी बनना चाहता था, लेकिन तुमने सोचा कि अगर वो खिलाड़ी बना तो लोग क्या कहेंगे, इसलिए तुमने उससे नौकरी करवाई। तुम्हारी बेटी एक गरीब इंसान से शादी करना चाहती थी, लेकिन समाज के डर से तुमने उसकी शादी एक अमीर घर में करवा दी। तुम ये जानते थे कि तुम्हारी खुशी तुम्हारे बच्चों की खुशी में है, लेकिन समाज के दबाव में आकर तुमने ज्यादातर वही काम किए जिससे तुम खुद भी खुश नहीं थे। भगवान ने कहा कि इसका मतलब ये नहीं कि इंसान समाज के विरुद्ध ही चला जाए। समाज जरूरी है, समाज के नियम जरूरी है, लेकिन हर बार समाज ही सही हो ये जरूरी नहीं। समाज में समय के साथ बदलाव जरूरी है और वो तभी आएगा जब लोग समाज के नियमों पर प्रश्न उठाएंगे। तुमने सब कुछ होते हुए भी अपनी और अपने परिवार की इच्छाओं को दबाया, वो इच्छाएं जिनमें कुछ भी गलत नहीं था, और ये बात तुम जानते थे, लेकिन फिर भी तुमने समाज को ज्यादा प्राथमिकता दी। इससे तुम्हें प्रतिष्ठा तो मिल गई, लेकिन अंतरात्मा में असंतोष भरता गया, और यही कारण है कि तुम कभी खुश नहीं रह सके। कलेक्टर साहब भी आए हैं। क्यों नहीं, इस इलाके के बड़े अधिकारी हो या बड़े व्यापारी सब पधारे हैं। हाँ, मकरंद जी का नोटा जाए तो कौन मना कर पाता है, यहाँ के सबसे बड़े व्यापारी हैं वो, समाज में सबसे दानवीर और प्रतिष्ठित इंसान है वो। हम तो अपने बच्चों को यही सिखाते हैं कि अगर किसी को अपना आदर्श मानना हो तो मकरंद जी को माने, बड़े होकर वो उन्हीं की तरह बनने की कोशिश करें। मकरंद जी आ गए। धन्यवाद। मकरंद जी की जय। मकरंद जी की जय। बहुत बहुत धन्यवाद आप सबका यहां पधारने के लिए। ओम अपवित्रो पवित्र वा सर्वावस्थाम गतोपि वा या स्मरेति पुंडरीकाक्ष स बाहाय भयंतर शुचि।
ये मकरंद जी पूजा किसकी करा रहे हैं? अरे वो कह रहे थे कुछ साल पहले कुछ बहुत बुरा घटित हुआ था। इतने बड़े लोग हैं, इनको किस चीज की कमी है? तुम तो भी यहाँ नई नई आई हो, इनके बारे में जानती नहीं हो। इनकी कहानी सुनोगी तो तुम्हें लगेगा कि इनके साथ जो हुआ है वो किसी के साथ ना हो। साईं, आनंद आ गया। आपके साथ समय कैसे बीत जाता है पता ही नहीं चलता। साईं, मैं और पार्वती आज ही बात कर रहे थे कि कुछ दिनों में गुड़ी पड़वा आने वाला है, तो हम चाहते हैं कि इस बार आप कुछ समय हमारे घर भी बिताएं, हमसे मिलने आए। आपके शुभ कदम हमारे घर पर पड़ेंगे तो पूरा साल शुभ बीतेगा साईं। हाँ हाँ साईं, आप मेरे घर भी आइए। मेरे घर भी? साईं, हमारे घर भी आइए। हाँ साईं, हमारे घर भी आइए। हाँ साईं, हमारे घर भी आइए। हाँ साईं, हमारे घर भी आइए। मुझे खुशी है कि आप सब ने मुझे न्योता दिया, लेकिन एक ही दिन में आप सबके घर में आने के लिए मुझे 100 रूप लेने पड़ेंगे। क्यों ना हम सब मिलकर एक काम करें, इस साल गुड़ी पड़वा में साई की शोभा यात्रा निकालते हैं। खंडोबा मंदिर से शुरू करके बारी बारी सबके घर जाएंगे और गुड़ी पड़वा मनाएंगे और अंत में यहीं द्वारका माई में आकर यात्रा समाप्त करेंगे। ये तो बहुत ही अच्छा विचार है काका। प्रणाम साईं। आओ हरिया। मकरन, ये शिरडी का खंडोबा मंदिर है, सुना है काफी प्रसिद्ध है अपनी अलौकिक अनुभूति के लिए। अब हम शिरडी आ ही गए हैं तो तुम और वहनी भी यहाँ के दर्शन कर लो। नहीं सूरज, तुम ही दर्शन कराओ, वैसे भी तेजस्वी के यहाँ जल्दी पहुंचना है। ठीक है। माधुई, नंदलाल, माधुई, माधुई रुको, माधुई कोई नहीं है वहाँ, होश में आओ, माधुई, 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 वहनी, सूरज, अरे इनकी औषधि कहाँ है? वहाँ झोले में रखी होगी, जल्दी जाकर ले आओ, माधुई,
जल्दी करो। हे भगवान, वैद्य जी ने जटामासी दी थी दवा के साथ मिलाकर देने के लिए, लेकिन ये तो खत्म हो गई और मैंने ध्यान नहीं दिया। जटामासी, इसका तो नाम भी नहीं सुना मैंने। इस तरह की मति भ्रम की अवस्था में जटामासी अच्छा असर करती है माधवी पर। और ये मिलेगी कहाँ? काका, यहाँ कहीं जटामासी मिलेगी? पता नहीं बेटा, लेकिन अगर तुम्हारी पत्नी की तबीयत ठीक नहीं है तो तुम इन्हें तुरंत साई के पास ले जाओ। तो ये भी उस ढोंगी का वक्त है। जटामासी का चूर्ण है, कल सुबह तुम इसे अपने साथ लेकर खंडोबा मंदिर चले जाओ। सुनिए, ये लीजिए, इसमें जटामासी का चूर्ण है। ले लीजिए, वैसे भी ये मेरे किसी काम की नहीं है, साई ने दी थी, कहा था खंडोबा मंदिर लेकर जाना, किसी को जरूरत होगी तो दे देना। ये तो बड़ा ही अजीब इत्तेफाक है। खैर, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। माधवी, तू भी अजीब है मकरंद। वैनी को औषधि की आवश्यकता है और तू उस लड़की की हैसियत देख रहा था। देखना पड़ता है सूरज, मुझे तो अभी भी संदेह है कि हमें ये दवा माधवी को देनी चाहिए या नहीं। पता नहीं वो कौन लड़की थी और कहां से आई होगी। पर मकरंद, तुमने भी सुना ना, ये जटामासी साई ने भेजी है। काका, थोड़ा पानी मिलेगा क्या? हाँ, अवश्य। ये ले, तू चिंता मत कर, एक बार साई पर भरोसा करके तो देख, सब ठीक हो जाएगा। ओ जीवन डगर कभी जो कठिन हो जाए, मन विचलित हो और कोई मार्ग न पाए, अंधियारे की गहरी रात जो आए, हिम्मत टूटे और कुछ भी समझ न आए, तू श्रद्धा पथ पे सबूरी धर के बिना डिगे बस चलता जा, तू श्रद्धा भक्ति धीर तुझे उस पार लगा। ओम साई राम। तेरा संयम और विश्वास तुझे। देखा, मैंने कहा था ना, तुम श्रीडी साई से मिलने आओ या ना आओ, जो भी श्रीडी आता है साई की कृपा उस पर हो ही जाती है। मगर ये एक इत्तेफाक भी तो हो सकता है, और वैसे भी साई को वही लड़की मिली थी दवा भिजवाने के लिए। अगर उन्हें मदद ही करनी थी तो किसी और से भी तो दवा भिजवा सकते थे ना, जो थोड़ा ठंका हो। इसलिए मुझे ऐसे फकीरों पर भरोसा ही नहीं। और हाँ, अगर उनके पास इतनी सिद्धि है तो एक अच्छा सा आश्रम बनाकर उसमें क्यों नहीं रहते हैं? सुना है किसी खंडर में रहते हैं और संगत भी गरीबों की। मुझे ऐसे लोग जरा भी पसंद नहीं। चलो, अब जल्दी से तेजस्वी के घर चलना है। आओ माधवी। बहुत अच्छे, बहुत अच्छे। उस फकीर का जुलूस यहीं से जाएगा, मैं उस पार खड़ा रहूंगा। जैसे ही इशारा करो ये लकड़ी का लट्ठा गिरा देना लोगों पे, 10-20 लोगों के हाथ पर तो टूट ही जाने हैं। फकीर और उसके भक्तों की शोभा यात्रा जा रही है, उसका फल तो उन्हें मिलना ही चाहिए। हरिओम। महासभापति जी, शोभा यात्रा का समय तो हो गया है लेकिन साई अब तक नहीं आए।
बस आ ही रहे होंगे भीवा, शायद रास्ते में कोई मिल गया होगा। सबक सबूरी के ही जिसने सिखाए, उसी की परीक्षा के ये पल हैं आज आए। बदरा बुराई के ये जितने भी छाए, साईं मेरे अच्छाई का जल बरसाए। मन में साई के क्या है कौन जान पाए। ओम साई ओम। बोलो साई बाबा की जय। बोलो साई बाबा की जय। साई बाबा की जय। पादवी, ये कहां जा रही है इन फटीचरों के बीच? शांत हो जाओ बेटी, श्रद्धा और सबूरी रखो बेटी। बहुत समय से भटक रही हो तुम, ईश्वर ने चाहा तो सब ठीक हो जाएगा। असंभव, असंभव। क्या हुआ? माधवी को जब दौरे पड़ते हैं वो सिर्फ दवाई से ही ठीक होती है, और इस इंसान को देखकर वो शांत हो गई। जो काम अंग्रेजी डॉक्टर और बड़े बड़े वैद्य नहीं कर पाए वो इस इंसान ने कैसे कर दिखाया उन्हें। ये साईं, यही तो है शिरडी के साईं बाबा। मैं जानता हूं तुम साईं बाबा को नहीं मानते, पर जब साई ने माधवी वहिनी के सर पे हाथ रख दिया है, अब तुम चाहो या ना चाहो तुम्हारे सारे दुख साई के हुए, और अब वो उन्हें दूर करके ही रहेंगे। Thank you.
साईं, सच कहूं तो मैं आपसे मिलना नहीं चाहता था, लेकिन आपने मेरी पत्नी की मदद की, वो भी एक नहीं दो बार, इसलिए सोचा कि आपको धन्यवाद बोल दूं। हमारे चाहने या ना चाहने से कुछ नहीं होता है मकरन, ईश्वर ने चाह तो इंसान मिल ही जाते हैं। मेरी तलाश कब खत्म होगी बाबा? बेटी, हर तलाश एक यात्रा होती, जिसके कई पड़ाव होते हैं, बस यूं समझ लो कि आज तुम अपनी यात्रा का पहला पड़ाव पार कर चुके हो। इन्हें हमारे दुख का आभास है क्या? लेकिन कैसे कैसे पता है इन्हें हमारे बारे में? मैं तो ये भी जानता हूं मकरन कि तुम कुछ भूल गए हो। क्या भूल गया हूं मैं? शोभा यात्रा के साथ द्वारका माई चलो, वहां दे दूंगा। तुम्हारे पैर बहुत दुख रहे होंगे, ये पहन। नहीं, हमें इसकी जरूरत नहीं। हमारे पास सामान में और चप्पलें हैं, अच्छी वाली। मैं यही पहनूंगी। जानता हूं मकरंद कि किसी कारणवश तुम अपने मन में मेरे बारे में कुछ धारणा बना चुके हो, लेकिन तुम्हारी अस्वीकृति भी स्वीकार है मुझे। लेकिन तुम्हारा जो सामान द्वारका माई में है उसे लेने के लिए तो मेरे साथ चलोगे? चलो। सावरी, कुछ लोग होते हैं जो अमीर गरीब में बहुत भेदभाव करते हैं, लेकिन अब बच्चे को क्या समझाऊं? हाँ, मुझे भी वो लोग बड़े अजीब लगे। आज सुबह मेरे भी हाथ से औषधि लेने के लिए झिझक रहे थे। साईं तो बार बार कह रहे थे कि बच्चे के हाथ से प्रसाद ले लो बच्चे के हाथ से प्रसाद, लेकिन वो लोग तो अपनी जिद में थे कि नहीं, प्रसाद तो साईं के हाथ से ही लेंगे। साई की बात को इस तरह से टालना क्या अच्छी बात है सावरी? मुझे तो बहुत बुरा लग रहा था। मन किया कि मैं उसी समय साई से पूछूं कि क्यों वो उस आदमी को मेरे बेटे का अपमान करने दे रहे थे, क्यों वो उसे कुछ नहीं बोल रहे थे, लेकिन मेरी बात सुनकर भी वो अनसुनी कर देते हैं। गुड़ी पड़वा की शुभकामनाओं का उन्होंने कोई जवाब नहीं दिया। दादा, वैसे साई और आपके बीच ऐसा क्या हुआ है जो साई आपके किसी भी बात का जवाब नहीं दे रहे? मुझे भी कुछ नहीं पता इस बारे में। सही समय आने दो तो मैं सब कुछ बताऊंगा।
नहीं दादा, अगर आप नहीं भी बताना चाहते तो भी ठीक है। मैं बस इतना कह रही हूँ कि बस एक बार अपने दिल की बात साई से कहकर तो देखिए, हो सकता है कि साई आपसे वापस बात करने लगे। साई, मैं आपसे कुछ पूछने आया हूं। आप तो चोर डाकुओं को भी एक मौका देते हैं, बेईमानों पर भी कृपा बरसाकर उनको सही रास्ते पे ले आते हैं, लेकिन ये सजा मुझे क्यों? आपने तो मुझे गुड़ी पाड़वा का भी आशीर्वाद नहीं दिया। साई ने बोला है कि उन्होंने आपसे एक सवाल पूछा था, उसका जवाब आप उन्हें क्यों नहीं दे रहे हैं? साई क्यों नाराज है मुझसे, मैं जानता हूं, लेकिन साई मेरी मजबूरी क्यों नहीं समझ रहे हैं? पहले भी कितनी बार यही बात मैंने साई को समझाने की कोशिश की कि जो मैंने किया वो पाप नहीं था, और अगर मैंने गलती की है तो क्या आप मुझे माफ नहीं कर सकते? आपकी चुप्पी मुझे बर्दाश्त नहीं हो रही है। चंपा, जो झूठ खुशी दे और किसी और का घर उजाड़ दे वो पाप होता है, और झूठ के पाप का एक ही प्रायश्चित है, सच। जिस दिन कोई सच कह के अपने पाप का प्रायश्चित कर लेता है उसे सब अपना लेते हैं। और जो सच मेरी जिंदगी उजाड़ दे वो सच मैं कभी नहीं बोलूंगा साईं, कभी नहीं। कहते हैं ना, जो झूठ किसी को खुशी दे वो झूठ सच से भी बढ़कर होता है। सच को कितना भी छुपाने की कोशिश करो वो सामने आ ही जाता है, सच की यही शक्ति है। मुझे नहीं पता है ये किसने बनाया होगा, लेकिन शिरडी है ही कितनी बड़ी जगह, अगर हम लोग पता करेंगे तो कोई ना कोई सुराग तो मिल ही जाएगा। वो, अरे केशव, इसे रहने ही दो, ऐसे भी इसे क्या पता होगा। आपने हरिया से क्यों नहीं पूछा? ऐसे लोगों को वैसे भी कुछ पता नहीं होता केशव, बात बात पर झूठ बोलते हैं क्योंकि इन्हें इनाम मिलने का लालच होता है, इसे क्या पता होगा। केशव, जरा द्वारका में ही चले जाओ, वहां मुझसे मिलने कुछ लोग आए हैं, उनका ध्यान रखना। ठीक है साईं। मैं भी चलता हूं साईं। मकरन, राम जी भला कर।
ये निशान ये निशान तुम्हारे बच्चे की पीठ पर भी यही निशान है। आप पहेलियां क्यों बुझा रहे हैं? सीधे सीधे बता के मामला खत्म करिए ना। आपसे पहले भी तो पूछा था मैंने, लेकिन आपने कोई जवाब नहीं दिया। लेकिन इस बार आपको बताना पड़ेगा। मैं तुम्हें कुछ बताऊं? इससे पहले क्या तुम मुझे नहीं बताओगे कि तुम्हारा बेटा तुमसे दूर कैसे हो गया? क्या हुआ था उस दिन? उस दिन हमें अपने नंदलाल के मुंडन के लिए अपनी कुलदेवी के मंदिर जाना था। मंदिर के रास्ते में जब से डाकू ने श्रद्धालुओं को लूटना शुरू किया, मुझे तो बहुत डर लगता है। क्या हम घर पे मुंडन नहीं कर सकते? कैसी बातें कर रही हो तुम माधवी? मैंने वहाँ इतना बड़ा कार्यक्रम रखा है, बड़े बड़े मठों के मैन पंडित और सरकारी अफसरों को न्योता भेज चुका हूँ। अब तो मैं चाकर भी उन्हें सूचित नहीं कर सकता हूँ कि मुंडन मंदिर में नहीं बल्कि हमारे घर में होगा। रास्ते में अगर डाकू आ गए तो? छोड़, डाकुओं से गरीब लोग डरते हैं, हम अमीर नहीं। और वैसे भी वहाँ हमारे नौकर होंगे, इसे डरने की कोई जरूरत नहीं। लेकिन आप बस माधवी, हम लोग वहाँ जा रहे हैं। और वैसे भी मैं तुम्हारे डर की वजह से अपनी छवि खराब नहीं होने दे सकता। अरे समाज में कितनी इज्जत है मेरी, कितना बड़ा नाम है। अगर मैं आज वहां नहीं गया तो लोग ये सोचेंगे कि वो मकरम जो कभी सिर झुकाकर नहीं चलता था, वो चोर और डाकुओं की वजह से घर में घुसकर बैठ गया है। और ऐसा नहीं हो सकता। हम वहां जा रहे हैं, चलो तैयारी शुरू करो। मैंने कहा था ना आपसे, मना किया था, लेकिन आपको अपनी इज्जत के अलावा कुछ नहीं दिखता। ये अभी बहस करने का समय नहीं है। पकड़ो सबको, कब इसके जाने ना पाए। क्यों लिए इन्हें? कोई है? कोई है? छोड़ दो, छोड़ दो। बच्चे को उठा लो। बच्चे का क्या करेंगे सरकार? इसकी मोटी फिरौती मिलेगी। कोई है? योच्चा! योच्चा! मैं और मेरे नौकर सब भागे उन बदमाशों के पीछे, तो वो हाथ नहीं आए। एक ही दिन में मेरी बीवी और मेरा बच्चा दोनों खो दिए मैंने। माधवी उस सदमे से आज तक उबर नहीं पाई। उसने आज तक मुझे माफ नहीं किया। मुझे उम्मीद है कि जिस दिन मेरा बच्चा मिलेगा उन दिन शायद वो मुझे माफ कर देगी। मेरे बच्चे का पता बता दीजिए साईं। पुरानी बातें भूल जाओ मकर, जिद मत करो उसे पाने की। आप ऐसा कैसे बोल सकते हैं? सब कहते हैं कि आप ही हैं जो मेरी मदद कर सकते हैं। आपने खुद कितनी बार संकेत दिए हैं, आप सब जानते हैं, और अब आप ही कह रहे हैं कि जब आपको यही करना था तो मेरे जख्म क्यों करे दे आपने? क्योंकि तुम अगर अपने नंदलाल को पा भी लोगे तो पता नहीं तुम्हें खुशी होगी या दुख, इसलिए रहने दो। ये आप क्या कह रहे हैं? मेरा बच्चा इतने सालों से गायब है और अब जब वो मुझे मिलेगा तो मुझे ऐसा लगेगा कि दुनिया का सबसे खुशनसीब इंसान मैं ही हूं। मुझे मेरा बच्चा हर हाल में चाहिए साईं,
हर हाल में वापस चाहिए। ठीक है, लेकिन इसके लिए विश्वास करना पड़ेगा, चाहे किसी पर भी करो, लेकिन जीवन में विश्वास के बिना कुछ नहीं होता है। क्या तुम्हें मेरी बातों पर विश्वास है? आपसे मदद लेकर मैं अपनी बहन को दुख नहीं पहुंचाना चाहता, लेकिन मैं मजबूर हूं। आपकी बातों से तो लग रहा है कि आप जानते हैं नंदलाल कहां है, और मैं अपने बच्चे को पाने के लिए कुछ भी कर सकता हूं साईं, कुछ भी। कुछ भी? हां साईं, मैं आपके द्वारका माई को एक भव्य आश्रम में बदल दूंगा, अगर आपकी मदद से मेरा नंदलाल मिल गया तो। उसकी जरूरत नहीं है मकरन, क्योंकि मुझे नहीं लगता कि तुम जो कह रहे हो कि कुछ भी कर सकते हो, वो तुम नहीं कर पाओगे। बहुत कुछ बदलना होगा तुम्हें, बहुत कुछ खोना होगा अपने बच्चे तक पहुंचने के लिए। क्या तुम इसके लिए तैयार हो? मैं तैयार हूं साईं, आप जो कहेंगे मैं करूंगा। साईं, ये कहां ले जा रहे हैं आप मुझे? बस थोड़ा ही आगे चलना है साईं, इस रास्ते से जाना जरूरी है क्या? हो सकता है थोड़ी देर बाद यही रास्ता तुम्हें अपने जीवन के सबसे सुखद रास्ते की याद दिलाए, बाकी जैसे तुम चाहो। मुझे यहाँ जान पहचान का कोई देखना नहीं, अगर किसी को भी शहर में पता चला कि मैं ऐसी जगह आया हूँ, वो भी पैदल, मेरी तो इज्जत ही खत्म हो जाएगी। चले, गोपी खा ले, गोपी अपने बछड़े के लिए खा ले, गोपी। साई, अच्छा हुआ आप आ गए, देखिए ना गोपी फिर से बीमार पड़ गई। मैं भी आप ही के पास आने वाली थी दवा लेने। साई, अगर प्रसाद है तो अपने हाथ से दे दीजिए ना। मैं दूं या गोपाल, क्या फर्क पड़ता है मकरन? नहीं साई, आपके हाथ से मिलेगा तो ही प्रसाद स्वीकार करूंगा। साई, इसे क्यों साथ लाए हैं आप? क्या हुआ है इसको? तबीयत खराब है कुछ दिनों से, ठीक से देखभाल नहीं हो रही होगी इसकी। देखिए ना, सूखी घास दे रहे हैं इसे, गाय को हरी घास, ताजा सब्जियां देते हैं, फल देते हैं। अगर गाय की देखभाल नहीं कर सकते तो उसे पालते क्यों हैं? एक काम करो, ये लो, और इसके लिए कुछ ताजा सब्जियां और फल लेकर आओ। ये पैसे क्यों दे रहे हैं मुझे? हम गरीब जरूर हैं, लेकिन अपने जानवरों का ख्याल रखना अच्छे से जानते हैं, और ये फल सब्जी हरा चारा सब खिलाते हैं हम भी, लेकिन फिर भी इसकी तबीयत अच्छी नहीं है। देखो मेरे कहने का मत, इसकी तबीयत का इलाज हरी सब्जियां और हरा चारा नहीं है, कुछ और है। साईं, क्या है? अगर पैसे की जरूरत है तो मुझे बताइए, मैं दे दूंगा। हमें किसी के पैसों की जरूरत नहीं है। ओ सुख दुख आने जाने हैं, धूप और साए, बाबराए मनवा तेरा उलझ
समझ न जाए। मन में आशा के दीपक बुझने न पाए, सुबह फिर से आएगी ये रात समझाए। ओम साई ओम साई ओम साई ओम साई ओम। साई, आप ही गोपी का इलाज कर पाते हैं। साई, आपकी उदी हमेशा चमत्कार करती है, लेकिन फिर कुछ दिनों के बाद ये बीमार पड़ जाती है। ये पूरी तरह ठीक क्यों नहीं हो रही साई? सावरी, जैसे इसकी बीमारी एक दिन में नहीं आई है, उसका इलाज भी एक दिन में नहीं होगा। इसके उपचार के लिए जरूरी है कि हम इसे इसके बछड़े से अलग करें। ठीक है साई, मैं इसके बछड़े को इसे थोड़ी दूर बांध लेती हूँ। नहीं सावरी, इसके बछड़े को किसी और के घर रखना होगा। गोपी अपने बच्चे के बिना नहीं रह पाएगी साई, नहीं रह पाएगी और बीमार पड़ जाएगी ये। सावरी, बच्चे को इससे दूर रखना जरूरी है। क्यों? इसका जवाब समय आने पर मिल जाएगा। दादा, साई अगर कह रहे हैं तो कर दीजिए ना, इसमें गोपी और उसके बछड़े का ही भला है। लेकिन कहाँ, किसके घर, कौन करेगा इसकी देखभाल? यहाँ तो हम खुद इसको अपने बच्चे की तरह पालते हैं। मैं? हाँ मकरन, तुम इस बछड़े को अपने साथ रखो। जब तक मैं लौटाने के लिए ना कहूं तब तक तुम जहां रह रहे हो वहीं इसे ले जाओ और खुद ख्याल रखो इसका। नहीं साईं, मैं इस बछड़े को नहीं लेकर जा सकता हूं। क्यों नहीं? मैंने देखा है मकरन, गाय से तुम्हें बहुत प्रेम है, तो ये जिम्मेदारी उठाने में इतना क्यों सोच रहे हो? साईं, आप तो जानते हैं कि मैं अपनी बहन के ससुराल में रह रहा हूँ, मेहमान हुआ, इस बछड़े की जिम्मेदारी मैं कैसे ले पाऊंगा? हो सकता है कि उनको अच्छा ना लगे। तुम उसकी चिंता मत करो मकरन, मैं केशव से कह दूंगा। नहीं नहीं, किसी को भी कहने से क्या होगा साईं, मुझे खुद अच्छा नहीं लगेगा कि मेरी वजह से किसी और के ऊपर बोझ आए। मैं ये काम नहीं कर पाऊंगा। लेकिन तुमने तो मुझसे कहा था कि अपने बच्चे तक पहुंचने के लिए तुम वो सब करोगे जो मैं तुम्हें करने के लिए कहूंगा। लेकिन उसका इस बछड़े से क्या संबंध है साईं? मैं जब भी आपसे अपने बच्चे की बात करता हूँ आप कहते हैं प्रसाद ले लो, कभी बछड़े को घर ले जाओ, आप कभी सीधा जवाब क्यों नहीं देते? ये मुझसे नहीं हो पाएगा। साई, आप ऐसे इंसान को बछड़ा पालने की जिम्मेदारी क्यों देना चाहते हैं जो खुद ये काम करना ही नहीं चाहता? सावरी, वो करना चाहता है लेकिन कर नहीं रहा है। जब तक मकरंद इस बच्चे की जिम्मेदारी नहीं उठाता, मैं इसकी जिम्मेदारी उठाऊंगा। For more updates, subscribe to our channel. Click the show links and enjoy watching the videos.